में बेरोजगारी के हालात का एक और नया मंजर सामने आ रहा है। गुजरात के भरूच के बाद मुंबई के कलीना इलाके में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंबई से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नौकरी के लिए जुटी भीड़ का एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल मुंबई के कलीना में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में वॉक इन इंटरव्यू के दौरान नौकरी चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में हजारों लोग इंटरव्यू सेंटर की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे। कुछ लोग सेंटर तक जल्दी पहुंचने के लिए वाहनों और पेड़ों पर चढ़ते भी देखे जा सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। आइए पूरा मामला क्या है विस्तार से जानते हैं। असल में हुआ यूं कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज ने हैंडीमैन के लिए 2216 रिक्तियों की घोषणा की थी। इन पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू शुरू किया। इस दौरान यहां 25,000 से अधिक उम्मीदवार पहुंच गए। नौकरी पाने के लिए जुड़ी भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। इसके बाद कंपनी ने लोगों को अपना सीवी जमा करके वहां से चले जाने को कहा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज अब्राहम ने कहा कि यहां हजारों लोग पहुंचे थे। लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के साथ बुलाया गया था, मगर जब भगदड़ जैसी स्थिति मच गई तो कहा गया कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सीवी छोड़कर चले जाएं, बाद में बुलाया जाएगा। 28 जून को जारी एक अधिसूचना में कंपनी ने कहा था, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा रिक्तियों को भरना चाहता है, साथ ही भविष्य के लिए भी एक प्रतीक्षा सूची बनाए रखना चाहता है। भारतीय नागरिक जो कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विभिन्न पदों के लिए 3 वर्ष के अनुबंध पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर गुजरात के अंकलेश्वर का एक वीडियो सामने आया था। बताया गया था कि 10 पदों पर निकली वैकेंसी के लिए तकरीबन 1800 से ज्यादा उम्मीदवार एक होटल में पहुंच गए। फिर क्या था, इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे थे, लोग रैलिंग पर चढ़ के नीचे गिरने की स्थिति में तक पहुंच गए थे, और जिससे अफरा तफरी मच गई थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।